म शांति मेरा शरीरिक नाम अनुराधा मैं 2007 से ज्ञान में चली हूँ तो मेरे को घर से बहुत बंधन थे लेकिन मैंने वो बंधन को पीछे रखा और मैंने बाबा की मुरली सुननी शुरू की जब मैं जब मैं घर से एक बार निकली गाय के घास लेने के लिए जा रही थी तो मेरे को ब्रह्मा कुमारी का संदेश मिला तो मैंने मैंने कहा कि मैंने जाना है मैंने वहाँ पर तो देखा तो दीदी के घर गई मैंने तो उनके मकान मालिक के घर उन्होंने कहा कि कहाँ जाना है मैंने कहा ऊपर जाना है तो उन्होंने कहा किस से मिलने मैंने कहा दीदी से मिलने तो दीदी से मिले तो मेरे को बहुत अच्छा लगा मैंने टोली खाई मुझे टोली बहुत अच्छी लगी तब से मेरे को लगन होगी कि मैंने रोज वहाँ जाना वो रोज जाना तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं बाबा के घर जा रही हूँ और घर से मेरे थोड़े ससुराल थे वो बंधन से मैं ससुर जी कहते हैं कि कहाँ जा मैंने कहा डैडी जी ऐसे ऐसे जा रही हूँ मैं वहाँ मेरे को बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने भी सुना तो फिर दीदी हमारे घर आई और दीदी ने कहा हम राजस्थान जा रहे हैं और बुकिंग करवाने के लिए और उन्होंने कहा ठीक है बोले आप बुकिंग करवा के आओ तो मेरे ससुर जी ने ऐसे कहा कि बुकिंग करवा दो उन्होंने अपने मन में रखा कि मैंने अपने बहू को भेजना लेकिन मैंने सोचा कि मेरे ससुर जी वो तीन धाम करके आए और चौथी धाम मैंने करवानी है तो उन्होंने मैंने ये संकल्प रखा था उन्होंने सोचा बहू को भेजने लेकिन मैंने उनको भेजा पहली बार लेकिन मेरे सब बंधन टूट गए जब मैंने ज्ञान में चली जब मैं मुरली सुनने आती तो मैंने कहा ड्रेस में कैसे जाऊं लेकिन मेरे ससुर जी ने एक बार भी मेरे को निका के मत जा और मेरे युगल ने मेरे को इतना सहयोग दिया कि घर का काम छोड़ दे और तू पहले मुरली सुनने जा और सेंटर में जा तो उनका बहुत मुझे मुझे सहयोग रहा उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने के लिए इतना फिर मेरी बेटी सर्विस करती थी फिर तो उसको उसने आना तो कहना मैंने कहा चल सेंटर कहाँ बाबा के घर जाते मम्मी में, मैंने कहा चलो तो इसे बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छे भोजन मिलता है बहुत अच्छा भोग मिलता है तो उसने कहा नहीं मैंने जाना मैंने कहा नहीं मैंने नहीं इसमें चक्कर इस में पढ़ना मैंने कहा चलो चलो तो मैं ऐसे ऐसे करती बेटी तो पीछे हटती गई नहीं नहीं उसको मैंने आगे बढ़ाया आगे करती मैंने कहा बेटा नहीं चलो बहुत अच्छा है तो आज वो बाबा की बच्ची बनी है ब्रह्मा कुमारी बन गई वो सेंटर में सेवा करती है और ऐसे ऐसे मेरे को सब बंधन टूटते और मेरे को इतना अच्छे अनुभव हुए कि जहाँ भी जाती थी जहाँ मेरे को बाबा का मैं बोलती बाबा आप मेरे साथ चलो तो मेरे पूरे काम हो जाते थे जो संकल्प करती वो पूरा हो जाता था और एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ मैं जा रही थी कहीं नहीं वो इसमें आश्रम में जा रही थी हम ब्रह्म भोजन के लिए तो मेरे को हम बस में बैठे तो बस नहीं मिली हम किसी गाड़ी में बैठ के तो दूसरी गाड़ी मिल गई उससे आ रहे थे हम वापस तो किसी ऊपर से ट्रक आ रहा था फिर हमारा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो कि कुछ नहीं बचा गाड़ी टूट गई लेकिन हमारे को खरोंच नहीं आई एक माता को आए उसको पता नहीं वो अपने बेटे से बात करी और मैं बाबा को याद करी तो उन्होंने कहा मेरे को एक भी खरोंच नहीं आया तो ऐसे ऐसे अनुभव करते तो मैं सोचती मेरा परिवार पूरा परिवार ज्ञान में चलता है बेटा भी बेटी भी और हम दोनों युगल और मैं सोचती हूँ जितना सुख हमें मिले औरों को भी मिले अब हमने सोचा था ऊपर मकान बनाने के लिए तो बाबा ने वो भी बना दिए तो हमने वो मकान नहीं बनाए बाबा का आश्रम बनाया और बाबा ने कहा कि बच्चे तू डरती क्यों मैंने कहा कैसे बनेगा क्या होगा लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं nah, बच्चे तू बाबा का घर बनाने के लिए सोच रही तो बाबा का घर बन गए तो जो जो सोचते गए वो वो संकल्प पूरे होते गए और आप भी मैं ये सोचती हूँ कि बेटी के कहीं मतलब क्या में जाए और अच्छा और वो अच्छा उन्नति करे तो वो भी उसका संकल्प कि हाँ मैं करूँगी मम्मी आपने पर उसने तो कहा कि नहीं मैं ज़रूर मैं ये जो बाइट ड्रेस पहनी मैं इसको मैं कभी भी इस ड्रेस की वो लाज रखूँगी और पीछे नहीं मुड़ के देखूँगी तो वो पूरी ज्ञान में डिवोटेड है ओम शांति